हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके हाथों पैरों से टैनिंग को कम्प्लीटली खत्म कर देगी। पार्लर में जाके महंगे से महंगा मैनिक्योर पेडिक्योर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन घर पे आप इसकी मदद से बहुत ही ईजीली जो है अपने कालेपन को, जिद्दी से टैनिंग को पहली बार में ख़त्म कर सकते हैं। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट है ये बहुत अमेजिंग है। ये जो है मैनिक्योर पेडिक्योर से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है, जिद्दी टैनिंग को ख़त्म कर देता है, कालेपन को, काली सी जो परत जम जाती है उसको बहुत ईजीली ख़त्म कर देता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, यहाँ पे मैंने एक खीरे को आधा कट करके ले लिया है। खीरा जो होता है ये हमारे स्किन को जो है कूलिंग इफेक्ट देता है और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लो प्रोवाइड करता है एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है, प्रीमेच्योर एजिंग को ख़त्म कर देता है। तो खीरे के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं और जो सबसे बड़ा फायदा है ये है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है एंड जो है पफिनेस को भी ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा खीरा ले लिया है। इसके ग्रेटर की मदद से जो है हम इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट मिक्सी में जो है इसका जूस भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मिक्सी में भी जूस निकाल सकते हैं। बेसिकली हमको खीरे का जूस चाहिए एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी आपको कन्वीनियंट है उस तरीके से जो है आप इसका जूस को निकाल सकते हैं। बहुत इजीली जूस जो है इसका निकल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया। बहुत ही ईजीली जो है हाथों की मदद से हम खीरे के जूस को सेपरेट कर सकते हैं, निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। वन टाइम के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे एंड जो है आप इसको बना के बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है खीरे का जूस मुझे मिल चुका है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ चम्मच के करीब बेसन। बेसन जो है नेचुरल क्लींजर की तरह हमारे स्किन पे काम करता है। इफ़ेक्टिवली जो है ये रिमूव करता है डर्ट को, इम्प्योरिटीज़ को, एक्सेस ऑयल को एंड जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करता है, रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करता है एंड जो है आपकी स्किन को जो है एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। ये जो है आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के साथ साथ जो है आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे जो है बस थोड़ा सा बेसन हाफ चम्मच के करीब आपने डालना है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है हाफ जो है टोमेटो को ले लिया है। टोमेटो जो है बहुत ही ईजीली जो है आपके टैनिंग को ख़त्म कर देता है एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, इरिटेशन को ख़त्म करता है, साइंस जो है डिले करता है, साइंस ऑफ एजिंग को टाइटन करता है आपकी स्किन को एंड ब्लामिशेस को ख़त्म कर देता है एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है जो है ये टैनिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर जो है बस इसको स्क्वीज करते हुए जितना भी जूस निकल जो है हाफ टोमेटो का जितना जूस जो है रिक्वायर्ड है वन टाइम के लिए तो उतना आपने यहाँ पे जो है निकालना है। तो बस इस तरीके से स्क्वीज करते हुए इसको निकाल लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन में होता है भर भर के विटामिन सी। लेमन जो है स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेमन में होती है तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत। तो यहाँ पे जो है हाफ लेमन को हम अच्छी तरीके से स्क्वीज कर लेंगे, जितना भी इसका जूस है वो निकाल लेंगे। लेमन को बिल्कुल भी स्किप ना करें बिकॉज लेमन जो है हमारी स्किन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है एंड जो अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। गाइज, उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगी शैम्पू। शैम्पू जो है इजीली आपके डर्ट को, टैनिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्लर जाके महंगे से महंगा मैनिक्योर पेडिक्योर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन घर पे आप इसकी मदद से बहुत इजीली जो है आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं और वो बहुत कॉस्टली भी होता है तो हर कोई उसको नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन घर पर आप इसकी मदद से बहुत ही ईजीली जो है मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस शैम्पू को ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपको सूट कर तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपने, बस एक छोटा सा चम्मच जो है शैम्पू का आपने लेना है। वन टाइम के लिए इतना इनफ है।
तो वन टाइम के लिए इतना शैम्पू जो है रिक्वायर्ड है, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट जो है इनो। इनो जो है तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत रखता है एंड जो है बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है, एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है ये ब्लीच का भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जितना मैंने शैम्पू लिया था उतना ही जो है हमने इनो को लेना है। ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है आपके जिद्दी से टैनिंग पे, कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो पैक है ये मैनीक्योर पेडीक्योर का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जो है मैं इनो को इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरीके से जो है इसको पहले तो मिक्स कर लेना है। एंड जो है इसका इस्तेमाल आपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों पैरों पर ही आपने करना है। एंड देन उसके बाद जो है आपने बिल्कुल भी फिर वेट नहीं करना है। ये जो आप देख सकते हैं लेमन बच चुका था, उसके बाद जो है अच्छी तरीके से जो है अपने क्लीन हाथों पे पैरों पे जो है इस तरीके से इसको मसाज करना है 1 से 2 मिनट। स्पेशली हमारे पैरों पे जो है जहाँ पे हम चप्पल पहनते हैं वो एरिया तो ठीक रहता है, लेकिन आसपास का जो काला हो जाता है वो इससे बहुत ही इजीली निकल जाता है। हमारे यहाँ पे जो है कालापन जमा हो जाता है या जो है यहाँ पे जो टैनिंग जमा हो जाती है उसको बहुत इजीली ख़त्म कर देता है। तो बहुत सालों से जो है मैं इसी तरीके से जो है अपने हाथों पैरों को क्लीन करती हूँ एंड मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। एंड जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो है कभी भी महंगे से पार्लर में जाके मैनीक्योर पेडीक्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत ही ईजीली जो है इससे कालेपन को हम ख़त्म कर सकते हैं। अपने हाथों को वॉश कर लेना है। गाइस ट्रस्ट में आप देख सकते हैं कि इसने पहली बार में बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। मैं बहुत टाइम से इसी मेथड से जो अपने हाथों पैरों को क्लीन करती हूँ। पार्लर में जाके महंगा सा मैनीक्योर पेडीक्योर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर पे आप इसकी मदद से बहुत ईजीली जो है अपने हाथों पैरों को क्लीन कर सकते हैं। एंड ये जो है बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस कुछ इन्ग्रीडियंट की मदद से जो है आप इसको बना सकते हैं। एंड जो है आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।